हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी का ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि एक ब्रह्मचारी की लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिन में शुरुआत से लेकर के शाम को सोते सोते उसे क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं जो सिर्फ एकदम बूढ़े हो चुके हैं और वो संन्यास ले चुके हैं, या ऐसे लोग जो घर परिवार छोड़ के रहते हैं। मैं विद्यार्थियों की, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि उन्हें कैसा अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें सुबह उठ करके, सुबह वो उठते हैं तो उठते ही रात में सबसे पहले सोने के पहले तांबे के लोटे में उन्हें जल रख देना चाहिए और सुबह सुबह उषा पान करना चाहिए। उषा पान क्या होता है? उषा पान का मतलब होता है बासी मुँह आपको बिना दंत धावन, बिना दांत धोए, बिना मुँह साफ किए आपको उसी सलाइबा को बाहर नहीं थूकना है, पानी पी लेना है और वो सारे सलाइबा हमारे पेट में जाएंगे, वो सारे एंजाइम्स पेट में जाएंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, इतना करने के बाद आपको लगभग 100 कदम चलना है, उसके बाद लैट्रिन वगैरह करना है, पेट साफ करके आना है। मन करे तो आप तुरंत अपना दांत साफ कर लीजिए या योगा एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आप अपने दांत को साफ करिए। इसके बाद आपको तुलसी का पत्ता या फिर कढ़ी का, कढ़ी पत्ता होता है जिसे मीठी नीम कहते हैं, उसका 2 पत्ता आप लेकर के चबाएं। चबाने के बाद 1 ग्लास पानी पिएं। उसके बाद आप कोई एक हल्का नाश्ता करें, बहुत भारी ना करें जिससे आपको आलस्य लगे, और बहुत इतना हल्का भी ना करें कि 2-3 घंटे के अंदर ही आपको भूख लग जाए। ब्रह्मचर्य में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है। इसमें आपको सिर्फ 3 बार भोजन करना होगा। भोजन से यहाँ मतलब है सुबह आप नाश्ता करिए, दोपहर और रात में हल्का हल्का भोजन 3 टाइम करना है। बीच में अगर भूख लग जाती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सुबह का भोजन करना है। तो सुबह का भोजन आप कैसे करेंगे, सॉरी ये नाश्ता आपको करना है, तो आप उसमें दलिया ले सकते हैं या फलाहार आप उस वक्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम गर्म मसालेदार नाश्ते में करना, ये आपके पेट के और ब्रह्मचर्य दोनों के लिए खतरा हो सकता है। 3 बातें बहुत मेन है। सुबह का नाश्ता एक राजकुमार की तरह करिए, और दोपहर का राजा की तरह आपको खाना खाना है, और रात में एक भिखारी की तरह खाना खा के सोना है, तभी आप एक असली ब्रह्मचारी कहलाएंगे। तो ये हो सकता है सुबह आप दही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दही ले सकते हैं। दही में चीनी नहीं डालिए, गुड़ आप दही में डाल के तब उसका सेवन करिए, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, नुकसानदेह नहीं होगा। और जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है वो सुबह सुबह खाली पेट दूध ना पिए। अब हम नाश्ता कर चुके, इसके बाद योग वगैरह लेकिन आपको कर लेना है, मैंने बता दिया है पहले। इसके बाद आप अपने दिनचर्या के लिए निकल सकते हैं, अपना टिफ़िन वगैरह पैक करके। जो भी आप अभी घर पे अगर रह रहे हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी चटनी वगैरह खा सकते हैं, बहुत तीखा नहीं खाना है आपको। ब्रह्मचर्य में रहना है तो घी का सेवन ज़रूर करें, घी बहुत ज़रूरी होता है, हमारे ताकत में वृद्धि यानी बढ़ोतरी करता है घी। और आपने बूढ़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमने जवानी का घी बहुत खाया इसलिए हमारी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है घी, इसमें फैट और कैल्शियम अच्छे भरपूर मात्रा में होते हैं जो विद्यार्थियों के दिमाग को नरिश करते हैं, यानी उसको मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आराम मिलता है, आराम से उन्हें सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। इसके बाद फिर आप थोड़ा आराम कर लें, 20 मिनट टहलने के बाद आप फिर पढ़ने बैठ जाएं, या जो भी बाहर का काम करना है वो कर लें, स्कूल में है कॉलेज में है, अभी बहरहाल बंद चल रहे हैं लेकिन जब भी वो खुलेंगे जाते हैं आप, तो आप वो सारे काम आराम से करिए। घर पे आते हैं, अगर आपको रास्ते में भूख लग जाती है घर आते आते तो बाहर का कुछ ना खाएं, बहुत खाने का मन करे तो आप अपने पास एक बॉटल पानी रखिए, उसको पी लीजिए। और फिर भी उससे मन ना भरे तो आप फल खरीद लीजिए या मार्केट में आप जूस पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप करें। लेकिन कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपके ब्रह्मचर्य के लिए खतरा साबित हो। फिर रात को
प्रयास ये करें कि 8 बजे के पहले पहले भोजन कर लें, और दूध जब आप रात में पी के सोते हैं तो सोने के तुरंत पहले ना पिए, घंटे भर पहले पिए, ओके। और रात को आप दाल वगैरह लेकर के सो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, 1-2 रोटी खा लिए घी लगा करके, ये इतना बहुत है। एकदम गर्म खाना भी आपको नहीं खाना है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। अब आपको क्या खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, जो एकदम टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और कुछ ऐसे फ्रूट्स और फूड के बारे में मैं बताऊंगा जो आपके ताकत में वृद्धि करेंगे, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।